नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम संस्कृत व्याकरण का जो प्रकरण, जो प्रत्यय का प्रकरण था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जो हमने कृत प्रत्यय को पढ़ लिया था, है ना, उसमें हमने इक्तेन, नुबुल, त्रच, लिट इत्यादि प्रत्ययों का अध्ययन हमने कर लिया था गत कक्षा में। आज की कक्षा जो है हमारी, उसमें हम तद्धित प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रतिपादिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रतिपादिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए संज्ञा विशेषण कृदंत आदि जो प्रतिपादिक शब्दों के साथ लग करके परिवर्तन अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा होगी। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं और तद्धित जो प्रत्यांत जो शब्द है उससे उसमें क्या होता है, कारक विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं, यानी कि विभिन्न अर्थों में जो प्रयुक्त होते हैं वो तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। ठीक है, कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया गया है। कुछ जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय जो हैं उनका परिचय जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली बात तो ये हो गई कि संज्ञा विशेषण और कृदंत आदि प्रतिपादिक शब्दों के जो साथ में लग करके अर्थ परिवर्तन करते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, और विभिन्न अर्थों में तद्धित प्रत्यय जो है वो अनेक प्रकार के हैं और यहाँ पर हम जो है कुछ तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ पर अध्ययन यहाँ पर करेंगे। देखिए आइए देखते कौन सा है, मत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बाला अर्थात इसके पास है। इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मत को प्रत्यय का योग किया जाता है, यानी बाला अर्थात इसके पास है। इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से क्या करते हैं, मत को प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है, चाहे बाला हो, इसके पास हो, इसके अर्थ में जो स्वरांत जो शब्द होते हैं उनसे मत प्रत्यय का हम योग करते हैं। ठीक है, उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जोड़ना पड़ता है और हम उप का लोप करके शब्दों से केवल क्या करते हैं, मत को जोड़ते हैं। ठीक है, उप का लोप करके हम शब्दों से क्या जोड़ते हैं, मत करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उदाहरणों को देखिए। जैसे क्या है, शक्ति शब्द में मत प्रत्यय को हम जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, शक्ति जो शब्द है उसमें हम मत प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो इसका बन गया शक्तिमत या शक्तिमान या शक्ति बाला। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है, बाला या उसके पास जो है उसके अर्थ में हो रहा है। शक्ति वाला यानी कि शक्ति जो है वो क्या है, उसके पास में है। ठीक है ना, जैसे श्री शब्द, श्री प्लस मत। ठीक है, तो श्रीमत या श्रीमान श्री वाला, यानी कि जो श्री को जो है वो धारण कर रखा है, जो श्री के योग्य है उसे हम क्या कहेंगे, श्री वाला या श्री मां या श्री मत। ठीक है दोस्तों, देखिए धी
ठीक है, धी प्लस मतु, धी प्लस मतु, यानी कि हम धी और मतु का योग जो करेंगे उसमें देखिए धीमतः, ठीक है, धीमतः धीमान और बुद्धि वाला, यानी कि जिसके पास क्या है, बुद्धि है, ठीक है। इसमें बाला के चाहिए के अर्थ में हम मतुक जो प्रत्यय है उसमें हम मत को जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद में मधु प्लस मतु, मधु और मतुक को हम जोड़ेंगे तो मधुमत या मधुमान या मधु बाला, ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कर रहे हैं। इसके बाद में इक्षु प्लस मतु, इक्षु प्लस मतु तो इक्षुमत इक्षुमान या गन्ने वाला, इक्षु का मतलब होता है गन्ना, ठीक है ना, ठीक है ना, या गन्ने वाला। कीर्ति मतु, कीर्ति मधु तो कीर्ति मत, ठीक है, कीर्तिमान या कीर्ति वाला, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमने यहाँ पर जो है वो मतु प्रत्यय में उप का लोप करके मत का जोड़ हमने शब्दों के साथ किया है, ठीक है। शक्ति मतु, शक्ति मत या शक्तिमान या शक्ति वाला, ठीक है। श्री मतु, श्रीमत श्रीमान या श्री वाला, ठीक है। धीमतु, धीमता धीमान या बुद्धि वाला। इसके बाद देखिए मधुमतु, मधुमत मधुमान या मधुबाला, ठीक है। इक्षु मतु, इक्षुमत इक्षुमान या गन्ने बाला, ठीक है। इसके बाद देखिए कीर्ति मतु, कीर्तिमत कीर्तिमान या कीर्ति बाला, यानी कि जिसके जिसकी क्या हो, कीर्ति हो, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसके बाद वतुक जो वत प्रत्यय है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करें कि बाला या इससे युक्त अर्थ में आकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुक वत प्रत्यय होता है, यानी कि बाला या इससे युक्त जो अर्थ में, बाला या इससे युक्त जो अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुक वत प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे देखिए शब्दांत या उपधा, शब्दांत या उपधा में आ या म हलंत होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है या वतुप वत प्रत्यय लगता है, यानी कि शब्दांत या उपधा में आ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारी जो परिभाषा है उसमें ये कह रहे हैं कि बाला या इससे जो युक्त जो अर्थ, जो अर्थ में आकारांत तथा अनेक शब्दों में क्या क्या होता है, हलंत शब्दों से क्या करते हैं, बत्तु प्रत्यय कर रहे हैं, बत्तु क्या प्रत्यय कर रहे हैं, और शब्दांश या उपधा में आया म होने पर मतुप के स्थान पर बत्तु प्रत्यय करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण देखिए धन बत्तु, धन बत्तु तो इसका क्या हो गया, धनवत धनवान या धनवाला, धनवत धनवान या धनवाला, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए बल बतु, तो बलवत बलवान या बल बाला, ठीक है। ये हमने कौन से प्रत्येक उदाहरण देख रहे हैं, बतुप या बत प्रत्येक उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। इसमें धन और बतुप का योग हम करके धनवत धनवान या धनवाला और बल प्लस बतुप को करेंगे तो बलवत बलवान या बलवाला, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं देखिए देखिए रूप प्लस बतुप, रूप प्लस बतुप यानी कि रूप और बतुप का योग हम करते हैं तो रूपवत रूपवान या रूप वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या है,
कि रूपवत रूपवान या रूपवाला। ठीक, इसके आगे देखिए विद्या प्लस बदुम, तो विद्या विद्यावान या विद्या बाला। ठीक है, इसके बाद देखिए गुण प्लस बतु, तो गुणवत गुणवान या गुण वाला। ठीक है, लक्ष्मी प्लस बतु, तो लक्ष्मीवत लक्ष्मीवान या लक्ष्मी बाला। ठीक है ना दोस्तों, यानी बतु प्रत्यय में जो है वो हमें क्या करना है, शब्दों के साथ में बतु या बतु का योग करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा हो गया, बतुक हो गया। ठीक है, इसमें देखिए मतुक बतुक प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप किसमें चलते हैं, पुलिंग में। पुलिंग में किसकी तरह चलते हैं, भवता की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। ठीक है ना, पुलिंग में किसकी तरह चलेंगे, भवता की तरह, स्त्रीलिंग में किसकी तरह चलेंगे, नदी की तरह, तथा नपुंसकलिंग में किसकी तरह चलेंगे, जगत के शब्द के समान चलेंगे। ठीक है ना, ये हमने कौन सा देख लिया, मतुप और बतुप प्रत्यय दोनों को हमने जान लिया। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है हमारा, इन्हीं इन प्रत्यय। ठीक है, इन्हीं आए इन प्रत्यय। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, देखिए इन्हीं बाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इन्हीं इन प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है, बाला या युक्त अर्थ में अकारांत जो शब्द हैं उनसे इन्हीं का हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं प्रत्यय का योग कर रहे हैं, इन्हीं प्रत्यय को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, रथ प्लस इन्हीं, रथ प्लस इन्हीं, तो रथिन रथिन रथी या रथ वाला या रथ से युक्त, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बाला भी हो सकता है युक्त भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें हम रथ और इन्हीं को जोड़ करके रथिन या रथी, रथ वाला या रथ से युक्त। ठीक है दोस्तों, ये हम कौन सा कर रहे हैं, इन्हीं प्रत्यय को हम कर रहे हैं। उसके बाद में दंड प्लस इन्हीं, दंड प्लस इन्हीं, तो दंड दंडी है ना, या दंड वाला या दंड से युक्त। ठीक है दोस्तों, यानी कि दंड प्लस, दंड प्लस कौन सा है, इन्हीं, तो दंडिन या दंड वाला या दंड से युक्त। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बल प्लस इन्हीं, बल शब्द प्लस इन्हीं प्रत्यय जो है उसमें हम करेंगे बलीन है गुण बल वाला या बल से युक्त, यानी कि तीनों हम कर सकते हैं, रथिन रथी रथ वाला या रथ से युक्त। ठीक है, दंडिनी दंडिन दंड वाला या दंड से युक्त, बल प्लस इनी बलिन बल वाला या बल से युक्त, गुण प्लस इनी गुण प्लस इनी। ठीक है, तो गुणिन या गुण वाला या गुण से युक्त। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए धन प्लस इनी, धन प्लस इन का क्या हो जाएगा दोस्तों, धन प्लस इन का हो जाएगा धन वाला या धन से युक्त या फिर हो जाएगा धनी। ठीक है, धनी धन वाला या धन से युक्त। ठीक है दोस्तों, ये हमने कौन सा देख लिया, मधुप को देख लिया हमने और बतुप को देख लिया और इसके बाद में इन्हीं को देख लिया। ठीक है, इसके बाद में कुछ और देखते हैं, देखिए देखिए दोस्तों वाक्यों में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। और क्या कह रहा है, इन्हीं प्रत्यय में और भी कुछ कह रहे हैं कि वाक्यों में इन्हीं प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार रूप, यानी कि आवश्यकता के अनुसार रूप बनाकर भी हम क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए गुणी जनहा शोभते, गुणी जनहा शोभते, तो ये प्रथमा एक वचन। ठीक है ना दोस्तों, गुणी जनहा शोभते,
गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते। तो इसमें कौन सी है, प्रथमा विभक्ति का कौन सा है, बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा है, गुणी जनः शोभते, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में धनिन उदत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, यानी कि धनिनः अधत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, यानी कि प्रथमा बहुवचन, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है ना, इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और ये पूज्यन्ते जो है वो प्रथमा विभक्ति का भी बहुवचन है, और ये शोभते जो है वो भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग क्रियते। ठीक है, तो इस कौन सी क्रियते कौन सी है, तृतीया विभक्ति का एक वचन जो है वो क्रियते। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुणी जन शोभते प्रथमा एक वचन आ रहा है इसमें। ठीक है ना, और उसके बाद में गुणिन सर्वत्र पूजते तो प्रथमा बहुवचन आ रहा है, और धनिन अद्वत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, तो इसमें प्रथमा बहुवचन आ रहा है, और बलिन पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग क्रियते, तो इसमें हमारा तृतीया एक वचन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने यण प्रत्यय का जो इन प्रत्यय का जो था इन्हीं प्रत्यय का उसको हमने क्या किया है, देख लिया है। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, तरप या तर्पते, तरप या तर्पते। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो में किसी एक को बेहतर, यानी कि दो शब्द हो तो उसमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए या सब उच्च बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ठीक है, दो में से किसी एक को हमें बेहतर बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन देखते हैं आगे, देखिए उदाहरण जो है उनको देखते हैं कि तरप, तरप प्रत्यय में क्या है। ठीक है, प्रशस्य प्लस तरप, तो इसमें क्या करना है, हमें बेहतर बनाना है। ठीक है, तो प्रशस्य प्लस तरह, तो प्रशस्य तरह। ठीक है, इसका क्या बन गया, प्रशस्य तरह। ठीक है, गुरु प्लस तरपा, तो गुरु तरह। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में लघु प्लस तरपा, तो लघु तरह। पटु प्लस तरपा, पटु तरह, है ना। कुशल प्लस तरपः, कुशल तरह। उच्च प्लस तरपः, उच्च तरह। यानी कि तरप प्रत्यय में हम शब्द को दो में से एक को क्या करते हैं, बेहतर बना देते हैं। ठीक है, जैसे प्रशस्य प्लस तरपः, प्रशस्य तरह। गुरु प्लस तरपः, गुरु तरह। लघु प्लस तरपः, लघु तरह। पटु प्लस तरपः, पटु तरह। कुलस प्लस तरपः, कुलस्तरपः। उच्च प्लस्तरपः, उच्चतरः। उसके बाद में चतुर प्लस्तरपः, तो चतुर्तरप, है ना। उसके बाद में दीर्घ प्लस्तरपः, तो दीर्घतरः। सुंदर प्लस्तरपः, सुंदरतरपः। स्थिर प्लस्तरपः, स्थिरतरः। ठीक है ना, सुंदर प्लस्तरपः, सुंदरतरः। स्थिर प्लस्तरपः, स्थिरतरः। उसके बाद तीव्र प्लस्तरपः, तो तीव्रतरः। और मधुर प्लस तरप, तो मधुर तरह। यानी कि हम इसमें तरप प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो शब्द है वो हम एक दो में से एक को हम बेहतर बना देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखिए कि राम लक्ष्मणयो रामः प्रशस्य तरह आशी। ठीक है ना, उसके बाद अश्व गजयो अश्व तीव्र तरह।
ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो इसमें से जो राम लक्ष्मण में से राम प्रशत रह आशीष, यानी कि राम को क्या कर रहे हैं हम बेहतर बता रहे हैं, ठीक है। गजस अश्व गजेयो, यानी कि अश्व और गज में से अश्व जो है वो तीव्रतर है, यानी कि वो तीव्र दौड़ सकता है। तो यहाँ पर हम किसको बता रहे हैं, घोड़े को जो है वो हम बेहतर बता रहे हैं, हाथी से बेहतर घोड़े को बता रहे हैं, यहाँ राम लक्ष्मण से बेहतर राम को हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मोहन सोहनियो मोहन पटुतर, ठीक है। यहाँ पर सोहन और मोहन जो है उनमें से मोहन जो है वो बेहतर है, पटुतर है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने तरह प्रत्यय को यहाँ पर देख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे भी हम देखते हैं, देखिए इसके आगे भी कुछ जो है उसको हम देखते हैं, ठीक है। दो, अब इसके आगे जो है वो तम या तम प्रत्यय जो है उसको देख रहे हैं। दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रत्यय, यानी कि दो से अधिक जो होते हैं उनमें से किसी एक की क्या करते हैं सर्वश्रेष्ठता को प्रकट हम करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो जो शब्द है उनमें से किसी एक जो है उसकी सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम तमप या तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि उच्च प्लस तमप तो इसका क्या हो गया उच्चतम, ठीक है। यानी कि इसमें हम उच्च कोटि का या उच्च कोई चीज को मतलब सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, ठीक है, उच्च बता रहे हैं, ठीक है। गुरु प्लस तम तो अच्छा हो गया गुरुतम, ठीक है, उच्चतम और उसके बाद में गुरुतम, ठीक है। लघु प्लस तम तो इसका हो गया लघुतम, ठीक है दोस्तों। पटु प्लस तम तो इसका हो गया पटुतम, और कुशल प्लस तमप इन दोनों का योग करेंगे तो कुशल तम, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, दो शब्दों में दो से अधिक किसी भी एक को क्या कर रहे हैं हम सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए क्या करते हैं तमप प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तमप या तम प्रत्यय का योग हम कर देते हैं, जैसे उच्च प्लस तमप प्रत्यय तो उच्चतम, गुरु प्लस तम प्रत्यय तो गुरुतम, लघु प्लस तम प्रत्यय तो लघुतम, और पटु प्लस तम प्रत्यय तो पटुतम, और कुशल प्लस तम प्रत्यय तो कुशलतम, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं मधुर प्लस तम प्रत्यय तो मधुरतम, मधुर प्लस तम प्रत्यय तो इसका क्या हो गया मधुरतम, और दीर्घ प्लस तम प्रत्यय हम करेंगे तो दीर्घतम, ठीक है। स्थिर प्लस तम प्रत्यय तो स्थिरतम, ठीक है। सुंदर प्लस तम प्रत्यय तो तमप सुंदर तम, ठीक है। आगे देखिए तीव्र प्लस तम प्रत्यय तो तीव्रतम, यहां पर हमें सर्वश्रेष्ठता तम प्रत्येक योग में जो है शब्दों के साथ तम प्रत्यय हम कर देंगे तो वहां पर हम क्या हो गया सर्वश्रेष्ठता को हम बता देते हैं, ठीक है। मधुर प्लस तम मधुरतम, दीर्घ प्लस तम दीर्घतम, स्थिर प्लस तम स्थिरतम, और सुंदर प्लस तम सुंदरतम, और तीव्र प्लस तम तो तीव्रतम, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कक्षाया छात्रेषु मोहन पटुतमः, ठीक है। कक्षा में जो छात्र है वो मोहन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, ठीक है। पूरी कक्षा जो है उसमें हम एक ही छात्र को मोहन को जो है वो हम क्या कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। पशुषु अश्व धावने तीव्रतम इत्यादि, ठीक है। यानी कि पशुओं में जो है
वो घोड़ा जो है वो दौड़ने के लिए, तीव्र दौड़ने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अश्व को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, घोड़े को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, कक्षा में हम मोहन को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। अतः सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम शब्दों के साथ में तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम जो हमारा ममट या मैं प्रत्यय जो है उसको हम देखते हैं। देखिए ममट या मैं प्रत्यय में क्या कह रहा है कि प्रचुरता के अर्थ में, प्रचुरता के अर्थ में ममट मैं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां पर प्रचुर मात्रा या प्रचुरता हो जाती है वहां पर हम ममट या मैं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वस्तुवाचक शब्दों से, वस्तुवाचक अभी मैं कह रहा था ना जहां पर मात्रा हो जाती है, ठीक है, वस्तुवाचक शब्दों से जिस वस्तु खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, ठीक है, वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तुओं को छोड़कर विकार अर्थ में भी ममट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वस्तुवाचक शब्द जो है उनमें जो है खाद्य वस्तुओं को छोड़ करके हम विकार अर्थ में भी ममट या मैं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए उदाहरण के शांति ममट या शांति मैं। ठीक है, तो शांति और ममट को जोड़ेंगे या शांति या मैं को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो गया, शांति मैं, शांति मैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आनंद प्लस ममट, तो आनंद प्लस ममट प्रत्यय को करेंगे तो क्या हो गया, आनंद मैं। यहां पर हमें प्रचुरता के अर्थ में ज्यादा बताने के लिए हमें ममट या मैं प्रत्यय का प्रयोग करना है, है? और उसके बाद वस्तुवाचक शब्दों में से खाद्य वस्तुएं जो है उनको छोड़ करके विकार अर्थ में भी हमें क्या करना है, ममट प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद में शांति, उसके बाद में क्या है, हम उदाहरण जो देख रहे हैं जैसे शांति ममट या शांति प्लस मैं प्रत्यय करेंगे तो हमारा क्या बन गया, शांति मैं बन जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद में आनंद प्लस ममट करेंगे तो हमारा क्या बन गया, आनंद मैं बन जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, सुख प्लस मयट, सुख प्लस मयट या मैं करेंगे तो इसका हो गया दोस्तों सुखमय, सुखमय। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, सुखमय। यानी कि हम मयट या मय प्रत्यय के उदाहरण को देख रहे हैं जिसमें सुख प्लस मयट प्रत्यय करेंगे तो हमारा क्या हो गया, सुखमय हो गया, और तेजह प्लस मयट को करेंगे तो तेजोमय हो गया, तेजोमय हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए मृत प्लस मयट करेंगे तो, मृत प्लस मयट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मृणमय, मृणमय। ठीक है, और इसके बाद में हम लोहो प्लस लोह प्लस मयट करेंगे या मय करेंगे तो लोमय हो जाएगा। यानी कि इन शब्दों में हम मय या मयट प्रत्यय को योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सुख प्लस मयट या मय तो सुखमय, ठीक है, तेज प्लस मयट तो तेजोमय, ठीक है, मृत प्लस मयट तो मृणमय, ठीक है, स्वर्ण प्लस मयट तो स्वर्णमय, ठीक है, इसके बाद में लोह प्लस मयट तो लोह मयट हो गया। ठीक है दोस्तों, आज जो है वो हमने तद्दित प्रत्यय में इन्हीं, है ना, और मयट और इसके बाद में कई जो प्रत्यय हैं तरप इन इंस आदि सभी प्रत्यय को हमने आज जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे की कक्षा में हम जो और भी प्रत्यय के जो भाग हैं, जो तद्दित प्रत्यय में और भी हमारे जो प्रत्यय हैं उनकी जानकारी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।